देखिए, जेएनयू जो विश्वविद्यालय दिल्ली में पूर्व में जिस प्रकार वामपंथी छात्रों के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा अल्लाह के नारे, हमें आज़ादी चाहिए के नारे लगाए गए और देश का जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश प्रभारी राजीव भारद्वाज बगरू ने आज अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें, राजधानी दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ वामपंथी छात्रों के द्वारा लगातार देश का माहौल खराब करने और युवाओं में सांप्रदायिक जहर घोलने को लेकर वामपंथी छात्रों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहर जिला अजमेर ने जिला कलेक्टर को यह ज्ञापन सौंपा है। देखिए, जेएनयू जो विश्वविद्यालय दिल्ली में पूर्व में जिस प्रकार वामपंथी छात्रों के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा अल्लाह के नारे, हमें आज़ादी चाहिए के नारे लगाए गए और देश का जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब किया गया। आप देखिए, उसी के बाद लगातार गत 30 नवंबर की रात को उन्होंने जो विश्वविद्यालय की दीवारें हैं उस पर जातिगत टिप्पणियाँ करते हुए ब्राह्मण विश्वविद्यालय छोड़ो, दीवारों पर खून ही खून होगा और तमाम जो है कि जातिगत आंकड़ों को चिन्हित करके उन्होंने नारे लिखे। एक जो वहाँ प्रोफेसर जो थी सोनल मिश्रा करके, उसके चैम्बर के बाहर भी उन्होंने नारे लिखे कि तुरंत संघ ज्वाइन करो, शाखा छोड़ो, शाखा भगाओ और इस तरह के अनगरल जो है नारे लगाकर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया और जातिगत जो है वो टिप्पणी करके जातियों को उकसाने का काम किया। तो आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला कलेक्टर अजमेर को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जो वामपंथी छात्र, साथ ही वहाँ पर जो जिम्मेदार कुलपति महोदय हो, जिम्मेदार कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी हैं और जिम्मेदार जितने भी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई कर भविष्य में जिस प्रकार ये जो वामपंथी छात्रों के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो। आ रहे हैं राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव, चुनाव में भी रह गया एक वर्ष से कम समय, कौन होगा विधायक उम्मीदवार? स्वामी न्यूज कर रहा है सोशल मीडिया का सबसे बड़ा असर, राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में कौन कर रहा है तैयारी, बताएंगे आप और उस विधानसभा क्षेत्र में रहने वाली जनता, जिससे आपके विधानसभा का क्षेत्र का हो विकास। 1 दिसंबर से जयपुर संभाग, रोजाना 2 विधानसभा, दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे, स्वामी न्यूज के फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव देखें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बताएं कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं आप, कौन है संभावित उम्मीदवार, कौन सी पार्टी से लगता है वो संबंध, जानकारी साझा करें, प्रारंभ कर रहे हैं हम। अब जयपुर संभाग, यदि छूट गया आपका विधानसभा क्षेत्र, यदि आप उसे नहीं रह पाए लाइव, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर, आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विधानसभा की जानकारी अवश्य डालें। ये जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 9829010448। देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे और दोपहर 3 बजे।